कालेबुङ जिल्ला प्रशासनद्वारा विद्यार्थीहरूलाई लिएर रोजगार मेला टाउन हलमा सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वारओभर, दि अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक, कालिम्पोङ, ओसिएस कालिम्पोङ, वान स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन सपिङ, 10th mile मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. कार्यक्रममा जिल्लापाल बालासुब्रमण्यम टी मुख्य अतिथिका रूपमा रहेका थिए। कार्यक्रममा कालेबुङका विभिन्न स्कुलहरूका विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। विभिन्न विषयको विशेषज्ञहरूद्वारा रोजगारको अवसर साथै रोजगारको निम्ति गरिनुपर्ने विभिन्न पहलबारे स्रोत व्यक्तिहरूले जानकारी गराएका थिए। नयाँ उद्योग थाल्न साथै विभिन्न व्यापार वाणिज्य अनि उच्च शिक्षा हासिल गरेर सरकारी नोकरीको निम्ति गरिनुपर्ने पहलमाथि वृत्तचित्त मार्फत वक्ताहरूले विस्तारपूर्वक जानकारी गराएका थिए। यस अतिरिक्त सङ्घ लोकसेवा आयोग साथै राज्य लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न उच्च अधिकारीहरूको निम्ति पद आदिबारे गर्नुपर्ने तयारीबारे पनि विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो। जिल्ला प्रशासन अनि कालेबुङ जिल्ला पुलिसद्वारा विद्यार्थीहरूको सुविधाको निम्ति उच्च शिक्षा साथै कम्पिटिटिभ परीक्षाको निम्ति तयारी गर्नको निम्ति चाहिने संसाधन पुस्तक आदि निशुल्क रूपमा उपलब्ध रहेको जानकारी गराइएको छ। कार्यक्रमपछि विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिभाहरू प्रशस्तै रहेको हुनाले ती प्रतिभाहरूलाई उपलब्धि दिलाउने साथै रोजगारको निम्ति अनि खेलकुद आदि विभिन्न विषयको निम्ति सुविधा दिलाउनको निम्ति आफूहरूले राज्य सरकारको सहयोगमा यो शिविर आयोजना गरिएको बताएका छन्। Government or central government services, even in banking or insurance, the salary has become very good. Now the average, if I take the intake salary at the entry level, has CTC of 12 lakhs per annum. Okay, it's easily touching CTC of 12 lakhs per annum. Now the private sector also, you will see the average salary an IITian graduate is getting is only 6 to 7 lakhs. Okay, and again, apart from that, if you go to different engineering colleges, private engineering colleges, still TCS and Infosys, if you are getting selected for TCS and Infosys, they are offering only 4 lakhs per annum. Okay, so the salary has not increased in 10 years. So now if you get into any other government examination, Group A, Group B also, you will be easily getting a CTC of 10 to 12 lakhs per annum. Okay, so this is the charm of government. The only thing is that growth is not there. Okay, so you have to be very motivated towards the UPSC civil service examination. कालिम्पोंग में दो चीज़ हो रहा है, एक तो जॉब फेयर है, सो पीबीएसएसटी डिपार्टमेंट का एक रेगुलर एक जॉब फेयर होता है हम लोग का उत्कर्ष बंगला स्कीम के अंडर। कर्मदिशा है हम लोग का एक जनरल कैरियर गाइडेंस का एक प्रोग्राम है। कर्मदिशा एक ऐप है, हम लोग का वेबसाइट में भी देख सकते हैं। कोई एक साइकोमेट्रिक टेस्ट ले सकता है जो भी एक यंगस्टर व्यक्ति उनका क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है उनको ये लेके मैंने उनका उसी का साइकोमेट्रिक टेस्ट एक जनरली एक कॉस्टली अफेयर होता है उसी को एक चीप ऑल्टरनेटिव है बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करे गवर्नमेंट एटा दिए छे सो वो ऑप्शन आ छे कर्मदिशा ऐप सो उसी को पॉपुलराइज करने के लिए प्लस उसी को लेके ट्रेनिंग हम लोग का क्या क्या ट्रेनिंग आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक हम लोग जो ट्रेनिंग देंगे वो ट्रेनिंग को लेके हम लोग कैसे उनको जॉब में हम लोग ये कर सकते हैं उनका लिंक करा सकते हैं व एंटरप्रेन्योरशिप दे सकते हैं उसी के लेके एक ओवरऑल प्लानिंग ओवरऑल काम चल रहा है पीबीएसएसटी के अंडर। सो आज वो उसी का एक जॉब फेयर है, आज जॉब फेयर है उसमें हम लोग 7 to 8 कंपनीज आ चुका है इधर, टेक्नोलॉजी कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज और फेमस सैलून का नेचुरल्स का भी आज रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो इसी टाइम में ऑल वैरायटी ऑफ जॉब्स के लिए हम जॉब फेयर हो रहा है। सिंस आप आज थोड़ा बारिश वरिश हो रहा है कि थोड़ा सा एक दो कंपनीज आने का थोड़ा मुश्किल हो गया, अदरवाइज ये रेगुलर होते रहते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग पैरेलली कर्मदिशा करियर गाइडेंस प्रोग्राम भी कराते हैं रेगुलरली। सो लास्ट टाइम 1.5 महीने आगे हम लोग एक प्रोग्राम हुआ था, उसके अलावा आज के एक सेकंड कंटिन्यूटी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कालिम्पोंग में, आईटी कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आईटी को लेके यंगस्टर्स को ट्रेन कैसे करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलिए, मोबाइल ऐप मेकिंग, लोकल एंटरप्रेन्योर्स हम लोग का इधर है जो ड्रोन मेकिंग कालिम्पोंग में हो रहा है। सो इसी टाइप ऑफ ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज़ पर्टिकुलरली आईटी लेके कालिम्पोंग में
कैसे हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकते हैं, उसी का भी एक कार्रवाई चल रहा है, उसी का आज स्पेशलाइज स्पीकर्स आ चुके हैं। CAI कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सिलीगुड़ी से स्पेशलाइज स्पीकर्स आ चुका है कि पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे करा सकते हैं, बिकॉज कलिम्पोंग में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स है, जो लोग अभी स्पेशलिस्ट स्पीकर्स हिसाब है, उनके अलावा नया किसी को हम लोग कैसे बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन जनरेट मोर जॉब्स, रादर देन कनेक्टिंग सिर्फ जॉब के लिए कनेक्ट करना करें, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें और भी जॉब्स बढ़ेगा। सो इसलिए हम लोग उसी का फोकस करके CAI से आज 3 स्पीकर्स आए हैं, स्पेशलाइज स्पीकर्स उन लोग आए हैं, और लोकल और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से, शुभम जिंदल करके एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ग्रेजुएट है। वो स्पोर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा भी स्पोर्ट्स में अलाइड माने स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशनिस्ट है, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट है, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट कोच है, तो ये बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, उसी को पब्लिक को बुझाने के लिए। बिकॉज आज तो कलिम्पोंग हैज गॉट लॉट ऑफ टैलेंट इन स्पोर्ट्स, बट स्पोर्ट्स में सिर्फ स्पोर्ट्समैन आ रहा है, बट स्पोर्ट्स का और भी चीज़ है, उसी को लेकर बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, उसी का जानकारी के लिए भी हो रहा है। सो ऐसे हम लोगों का जनरल जितना पॉसिबल है हम लोग कंटिन्यूस करते रहेंगे। पब्लिक को एक गोल सेटिंग, यंगस्टर्स किड्स को गोल सेटिंग के ऊपर, उसी के ऊपर क्या जानकारी देना चाहिए उनको, हाउ टू टेक केयर फॉर द, सो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है हम लोगों का, ट्रेनिंग ऑप्शन है, ट्रेनिंग को लेके हम लोग जॉब फेयर जो भी है सपोर्ट देंगे। सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ गोल फिक्सिंग, बच्चा तरह का गोल फिक्सिंग का लेके उनका जॉब एंटरप्रेन्योरियल ऑप्शन तक हम लोग कैसे लेके जा सकते हैं, यही हम लोगों का कोशिश है। उसी के लिए ये सेकंड प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये और भी प्रोग्राम्स होगा, फॉलो प्रोग्राम्स स्कूल में हो रहा है, लास्ट एक फिलोमिना में हम लोग का स्पेशल रिक्वेस्ट में हम लोगों का ऑफिसर स्पेशल गेस्ट हम लोग जाके एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया। तो इसी तरह से ये चलते रहेगा, कलिम्पोंग का ओवरऑल जॉब अपॉर्चुनिटी और लोकलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, सो दैट हिल्स का बच्चा लोग इधर के बेटर अपॉर्चुनिटी मिल के इधर ही बेटर डेवलपमेंट हो सकता है, उसी का कार्रवाई चल रहा है। पर्टिकुलरली हॉनरेबल CM मैडम का निर्देश है, जितना स्किल डेवलपमेंट करना है करो, उसको एडिशनल कोटा भी हम लोगों को मिला, साल में हम लोगों को जितना कोटा मिलता है उसी से भी एडिशनल कोटा दे चुका है गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सो उसी को लेके भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सो दिस प्लीज़ दिस अवेयरनेस इज फॉर एवरीवन, वी रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स एंड किड्स टू फिक्स देयर गोल्स, गेट ट्रेंड प्रॉपरली एंड गेट एम्प्लॉयड और गेट एन एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।